Hi, good morning. Sorry for little technical late. Again, I'm proceeding with biodiversity. ये स्लाइड में देखो, मैंने थोड़ी सारी ट्रिक्स चेंज करी है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें बदली है, इसलिए स्लाइड पे मैं फिर से वापस गया. अब देखो यहां पे क्या था, हमने कहा था इंडियन मास्टर क्रश्ड अदर्स, इंडियन मास्टर क्रश्ड अदर्स. अब यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंस्पेक्टर एंड ऑफिशियल्स मूव्ड कोर्ट. ये इंस्पेक्टर इंसेक्ट एंड कनोनोशन ऑफिशियल्स अदर एनिमल ग्रुप. मोलस्का हायर देन मूव्ड एंड देन क्रस्टेशियन कोर्ट. इंस्पेक्टर एंड ऑफिशियल मूव्ड कोर्ट. ये आधार पे इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हैं. ऐसे यहां पे लिया, पहले क्या था, फिश मंचूरियन बिकेम रिसाइव टू अशोक. अब मैंने क्या कर दिया, फैट बर्ड रोस्टेड एंड मेड अमेजिंग. फैट बर्ड रोस्टेड एंड मेड मैमल. तो यहां पे फैट बर्ड रोस्टेड एंड गॉट नो मीनिंग, मेड मैमल्स अमेजिंग एम्फीबियंस. ध्यान दो, फैट बर्ड रोस्टेड एंड मेड अमेजिंग. फैट है फिश, बर्ड है राइट, बर्ड्स ओनली, रोस्टेड रेप्टाइल्स, मेड मैमल्स एंड एम्फीबियंस अमेजिंग. तो यहां पर दे दिया फैट बर्ड रोस्टेड एंड मेड अमेजिंग. वैसे यहां पे आओ, यहां तो ऑलरेडी मैंने दिया था, फिर भी देख लो, फीलिंग ऑसम फंगाई एंड एंजियोस्पर्म. फीलिंग ऑसम एंड अल्गी. मेस्मराइज ऑन एम मेस्मरमोसिस. ऑन ऑन का कोई मीनिंग नहीं है, mesmerize on funky love, fern and alize lichen love. यहां पे feeling awesome right, feeling fungi awesome angiosperm and algae, mesmerize mosses on funky love, funky fern and alize lichens love. That's what exactly are being shown here. तो ये तो पहले मैंने दे दिया था, आज फिर आए मैंगो फ्रूट लेने राइट. लेकिन फिर से एक अलग बना दिया है, फीलिंग ऑसम एंड मेस्मराइज ऑन फंकी लव. ये कंप्लीट मैंने आपके लिए फिर से कर दिया, सो दैट यू नो एंड रिमेंबर. ये हम आपको सेव करके आगे जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं जो हमको शुरू करना है. तो आई विश दैट ऑन दिस लाइव प्लेटफॉर्म यू ऑल आर एंजॉइंग एंड डूइंग द वे इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. ये हम लोगों ने कर लिया था, हम आगे जा रहे हैं जहां से हमको देखना है. ये बातें हो गई थी, आज इसको खत्म कर लेंगे और फिर हम जाएंगे एनवायरमेंटल इश्यूज पे. दीज ऑल थिंग्स आई हैव शोन टू यू, रेन फॉरेस्ट, फिर से बरसात का समय है, देख लीजिए, ऑल दीज इफेक्ट्स आर बीइंग शोन. जैसे है वैसे ही अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, राइट,
ये कंप्लीटली अपनी तरफ से हो गया है, आपको मैं दोबारा नहीं भेजना चाहता हूं, इज ऑल्सो बींग डन राइट। ये हम बातें कर चुके हैं, टिलमैन की बात भी हो चुकी है, चलो एक टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से हम आगे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टिलमैन, प्लॉट्स विद अ मोर स्पीसीज, इसको हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा क्वेश्चन दे सकता है अपने को, शोज लेस वेरिएशन, प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोज लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास ईयर टू ईयर, इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी, जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, दैट्स व्हाट टू पॉइंट वी शुड हैव इन आवर माइंड एंड लेट्स गो अहेड। ए रिवेट कभी हो गया था राइट, या फ्लाइट भी हो गई थी, राइट। यहां तक हम कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे ध्यान दीजिए, द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स by human is said to have led to the extinction of more than 2000 species. Colonization of tropical Pacific islands by human is said to have led to extinction of more than 2000 because artificial development. The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species, including 388 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants in last 500 years. Dhyan dijiye. Recent extension is a Dodo, Mauritius, and Quagga, Africa, Thylacine, Australia, Stiller cow, Russia, and Tiger Bali, Javan. ये भी हो चुका था, but after long time I am little the same thing. आइए यहां से अपने को कंप्लीटली प्रोसेस और प्रोसीड करना है। सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू एनालाइज एंड नो, यहां पर दिया थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, एम्फीबियन दे हैव मोर थ्रेट, वल्नरेबल टू एक्सटेंशन, 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन प्रेजेंटली, 12% bird species, 23% mammal species, 32% amphibians, and 31% gymnosperms. How to remember the sequence? Bebo, ma, aagai. Bebo, ma, aagai. Birds, bebo. Mammals, ma. Amphibian, a. Gymnosperm, gai. Bebo, ma, aagai.
That's what exactly a trick I gave to remember the sequence of these all. तो कितना है? 12% bird species है, 23% mammal species है, 32% amphibian है, and 31 gymnosperm plants. तो क्या आप याद रखेंगे? ये ट्रिक में क्या है? बेबो birds, मा mammal, आ amphibians, gymnosperm गई, मा आ गई. That's what exactly a slide has. Right? In the world face the threat of extinction. ये सारी चीजें extinct हो सकती हैं. That's what exactly a scene scenario is. Last 20 years alone shows disappearance of 27 species. आइए यहां पे, ये थोड़ा जियोलॉजिकल पीरियड मेंशन किया गया है. इयोन, फेनरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन एंड हार्डियन, ये इयोन्स हैं. फिर यहां देखिए, एरा है पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक. ए पीरियड है ऑल्सो नोन एज प्री कैम्बियम, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफर, फेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनी. ए मिलियंस ऑफ ईयर्स है. आप देख लीजिए कहां से कहां, यहां से यहां तक कितना है? 1.6. नीचे चलिए, 3500, 500, 410, 330, 240, 138, 1.6. की इवेंट्स है यहां पे, अर्लिएस्ट लाइफ इन वर्टिब्रेस बिकेम कॉमन. यहां पे परमियन मास एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन. ये कंप्लीट थोड़ा सा जियोलॉजिकल पीरियड है जो आपके लिए दे दिया गया. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आप जानते हो इवोल्यूशन में, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली थॉट एंड गिव. कहीं पे इसका डिटेल जो मेंशन किया गया है, यू शुड नो, एंड इसके लिए दिया. ये आपको लर्न करने का ही, हमने कुछ ट्रिक नहीं बनाई है. आइए यहां पे, जरा यहां पे ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट साइक्लिक डिटेल बनाया है. ये ग्रीन है, ये कंप्लीट ऑरेंज है, ये येलो, तीन, और ये बीच में रेड जोन लिया है. तो सबसे बड़ा क्या है? ऑरेंज. फिर क्या है? येलो जोन. ग्रीन कम है, रेड तो बहुत ही कम है. अगर आप इसको देखोगे, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट इन द नेक्स्ट 5 centuries अप्रोक्सीमेटली 7,596 of the species inhabiting earth will go extinct. ये prediction है. क्या prediction है? ये जो 7,596 इतनी species जो earth पे हैं, they might be extinct, fossilized. ये extinct हो सकती हैं. अब यहां पर दिया, the current mass extinction has already begun. 865 species that we know have already gone extinct. अभी आपने देखा था, in the past 500 years. ये already extinct हो चुकी है red patch में. Orange में क्या है? Almost 20,000 more species are threatened with extinction. और last में क्या है? At this rate, our own mass extinction will rival the last one that wiped out the dinosaurs. इसी के आधार पे देखियो, dinosaurs got totally washed off. वो complete खत्म हो गए. ये complete chart दिया है, ये current extinction rate estimated to be 100 to 1,000 times faster. ये क्या mention किया है? आज का जो extinction rate है, 100 से 1,000 गुना fast है than it was earlier at the time of dinosaurs. ये बात में इतने mention किया गया है,
ये चार्ट दिया गया है सो दैट यू कैन रिमेंबर व्हाट आर द स्पीसी इज गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट. लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में लीड टू, अगर लॉस हुआ तो क्या क्या लीड होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल perturbations सच एज ड्रॉट. क्या बोल रहा है, लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल perturbation सच एज ड्रॉट, ड्रॉट अफेक्ट्स इट, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज अ प्लांट प्रोडक्टिविटी, वॉटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. तो ध्यान दीजिए क्या क्या यहां पे तीन बातें एकदम परफेक्टली दी गई हैं. जो लॉस बायोडायवर्सिटी में होगा तो क्या होगा, पहला डिक्लाइनिटी इन प्लांट, दूसरा क्या होगा लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंट, परटर्बेशन सच एज ड्रॉट, तीसरा होगा इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, कहीं कहीं पे वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, वाटर यूज हो सकता है एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल ऑल्सो माइट इंक्रीज. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यहां पे ध्यान दिया जाए बेटे, यहां पे कहीं कहीं पे कुछ न कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग 14% ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ बट नाउ दे कवर ओनली 6% ऑफ द लैंड एरिया. एग्जाम्पल है, पहला कितना था 14% था, अभी कितना हो गया 6%. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट आर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स और कन्वर्टेड इनटू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल. ये बीफ कैटल को रेज करने के लिए उसको डिस्ट्रॉय किया गया था. The loss of habitat deprives many animals and plants their homes. They face extinction. जैसे आपका घर कोई हड़प ले तो क्या होगा, you'll feel you have become homeless. Degradation of many habitats by pollution threatens the survival of many species. Threaten survival, they can't survive when a large habitat is broken up into fragments. The populations of mammals and birds with the migratory habits are requiring large territories are badly affected. Jo migratory birds hai, animals hai, they get badly and sadly affected by this phenomenon. That is what exactly यहां पर mention कर दिया, जो जो बातें कभी कुछ आ सकती हैं. आगे चलिए, अब देखिए ये क्या क्या चीजें होती हैं. वो PN है and these are parrots, you can know that they get totally destroyed because of the loss in biodiversity. That's what the slide is showing to you, and I wish that you might be trying to get and understand it all. Chalo aage jaye. Over exploitation. Agar over exploitation hua to kya scene banti hai? When need turns to greed, aaj ki tareek mein, sansar mein, only greedy people are left. Let it be any field. Everybody feels that whatever we are earning, let's collect and keep in the bank. I don't know why they have this meaning,
When need turns to greed, it leads to over-exploitation of natural resources. Many species become extinct. Example, steeler, sea cow, Russia wali, passenger pigeon, जो आपकी चिट्ठी लेके जाती थी, गाना आप जानते हो ना? Many marine fishes became extinct. Due to over-exploitation by human. Human एक ऐसा creature है, उसकी need के लिए वो कुछ भी करता है. Right? वो ज्यादा fishes पकड़ेगा, market में market करेगा, और पैसे कमाएगा, but वो भूल जाता है कि वो fishes अपनी life गंवा रही हैं. That's what exactly यहां पे है. आगे चलते हैं. देखिए वही बातें दी गई हैं. यहां पे दोनों का एग्जाम्पल दिखाया गया है. ये स्टीलर सी काऊ है, वो पैसेंजर पिजन है. ये एक्सटिंक्ट हो गए, आज की तारीख में दिखते नहीं है. ये वीडियो में वही बातों को आपके सामने रखा गया और कुछ भी नहीं है. ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन ये बार काफी इंपॉर्टेंट होएगा. अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो हम लोग को सफलता मिल गई समझ लो. व्हेन एलियन मींस स्पीसीज जो बाहर से आई है. जैसे आप बाहर से अकोला में पढ़ने आते हो तो आप एलियन हो गए, फॉरेनर. इंट्रोड्यूस एन एरिया, सम ऑफ देम बिकम इन्वेसिव. मतलब आप इतने इन्वेसिव हो जाओ कि अकोला के लोगों को एडमिशन ना मिले. मे कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, जो अकोलाइट है वो स्पीसीज को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बाहर जाएंगे. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. इंट्रोड्यूस्ड नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका, caused extinction of more than 200 species of sichelled fish. इसको सिचाइल भी पढ़ते हैं लोग, सिचाइल फिश इन द लेक. एक्सटिंक्ट हो गई इन्वेसिव वीड स्पीसीज सच एज पार्थीनियम कैरेट ग्रास, इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं. कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं इसको, इसके फ्लावर व्हाइट होते हैं, टोपी ले से कांग्रेस की व्हाइट टोपी. लंटाना, इसके फूल लाल लाल होते हैं. आइकोनिया, यू नो दैट वाटर हाइसिंथ, कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज एंड पोजिंग थ्रेट टू नेटिव स्पीसीज. द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस, राइट, क्लेरियस गैरी पिनस, क्लेरियस गैरी पिनस, ध्यान देना क्वेश्चन था. फॉर अक्वा कल्चर पर्पज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस, किसको थ्रेट कर रही है, इंडिजिनस कैटफिश. यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा मैच द कॉलम बनेगा, मैच द कॉलम बनेगा. आप खुद बनाइए और सॉल्व करिए, एकदम बढ़िया मैच द कॉलम बनेगा. ओनली ऑन दिस स्लाइड यू कैन डू इट एंड पुट इन द कमेंट हाउ डिड यू लाइक इट, राइट. खुद के क्वेश्चन बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की तारीख में. तो यहां पे क्या क्या हुई है, नाइल पर्च में 200 स्पीसीज सिचल्ड फिश का हो गया, पार्थीनियम हो गई, लंटाना हो गया, आइकोनिया हो गई, एन अफ्रीकन कैटफिश कौन थी, क्लेरियस गैरी पिनस. ये जो है, दीज आर एलियंस, वो नॉट देयर इन इंडिया, बट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, द इंडियन थिंग्स आर बीइंग अफेक्टेड. देखो वही सारी बातें आपको दिखा दी गई हैं. ये लंटाना है,
कैरेट ग्रास है, आइकोनिया का फ्लावर है, क्लेरियस है, सारी चीजों को आपके सामने रख दिया गया है। नाउ यू कैन जस्ट एक्नॉलेज इट, जिससे आपको फ्यूचर में तकलीफ ना हो। यू कैन ईजिली रिमेंबर, ये सब देने का ओनली इफेक्ट है दैट यू कुड नोटिस एंड यू कैन रिमेंबर इट। कैटफिश बेचारी का खात्मा क्लैरियस की वजह से। को एक्सटिंक्शन, जैसे हमको आपकी बहुत जरूरत है, कोई भी कोचिंग क्लास कैसे चलेगा अगर स्टूडेंट है तो, और कोचिंग क्लास बहुत अच्छा है स्टूडेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, दोनों एक्सटिंक्ट हो गए, इंस्टीट्यूट एज वेल एज दी, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। सेम इज बीइंग मेंशन हियर, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज associated with it also become extinct. जो मेरे पे dependent है वो भी extinct हो जाएगा। अगर मैं extinct हुआ तो one which depending on me also will be extinct. When host fish becomes extinct, its unique parasite also becomes extinct. वो obligatory होती है, मैं उसके बगैर नहीं जा सकता हूं। सिमिलरली इवन पार्टनर ऑफ द को इवॉल्व्ड पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म बिकम एक्सटिंक्ट, द अदर पार्टनर ऑल्सो हैव द सेम फेट। सिमिलरली ध्यान दीजिए, व्हेन वन पार्टनर ऑफ को इवॉल्व पॉलिनेटर, जो दोनों साथ में इवॉल्व हुए हैं, पॉलिनेट हो रहे हैं, म्यूचुअलिज्म बिकम एक्सटिंक्ट, अदर पार्टनर ऑल्सो। ये जैसे पहले राजस्थान में सती प्रथा होती थी वैसे ही है कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ यूज टू बर्न हरसेल्फ, तो वही यहां पे बातें दिखाई गई हैं। और यहां पे देखिए जो आपको वीडियो दिए गए हैं उसमें उसी के इफेक्ट हैं। जब ये एक्सटिंक्ट होगा इस पर डिपेंडेंट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे आ जाते हैं। रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। पहला है नैरोली यूटिलाइजेशन रीजन, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, एथिकल रीजन। तीन रीजन होता है फॉर द कंजर्वेशन। भाई एथिक है, हमको इसकी बहुत पूजा करते हैं, रिलीजियस है, हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, बहुत ज्यादा जरूरत है तो हम उसको संभाल के रखेंगे। नैरोली यूटिलाइजेशन, ठीक है चल रहा है तो दैट ऑल्सो इज अ बींग। तो यहां पे वही है कि कंजर्वेशन मीन्स हाउ वी कैन कीप प्रेजेंट, अपने पास हम कोई चीज को कैसे रख सकते हैं। लाइक यू नो द लॉट अमाउंट ऑफ द मेथड्स आर बीइंग नाउअडेज इंप्लीमेंटेड फॉर कंजर्वेशन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइट बी बाय द ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और समथिंग, समहाउ जीन्स आल्सो कुड बी प्रोटेक्टेड। यहां पे नैरोली यूटिलाइजेशन में क्या दिया है, दीज आर ऑब्वियस रीजंस। ह्यूमन बीइंग डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट from nature, such as cereals, pulse, fruit, हम किस पे depend हैं, firewood, fiber, construction material, industrial product, tannins, lubricants, dyes, resin, perfume, कौन provide करता है, ये natural things, plants, and medicinal importance plant products।
मोर देन 25% ऑफ द ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड अबाउट 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय नेटिव पीपल एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको हम नेचुरोपैथ कहते हैं. नेचुरोपैथ, नेचुरोपैथ इज अ वेरी इफेक्टिव इवन फॉर कोरोना, राइट? तो ये कंप्लीट कहां से डिराइव हो रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट द नेचर. नाउ मोर एंड मोर रिसोर्सेस आर पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज एक्सप्लॉइटिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू नो द इकोनॉमिक यूज ऑफ प्लांट्स. तो बायो का प्रोस्पेक्ट क्या है? टू नो दैट. नाउ द मेनी प्लेसेस ऑफ पार्क्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय मेडिसिनल प्लांट्स ओनली, दे आर बीइंग कल्टिवेटेड. तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल फॉर. नैरोली यूटिलाइजेशन का रीजन क्या है? देखिए, वही सारे चीजें आपको दिखाई गई हैं. फ्रूट है, फ्रूट से क्या क्या योगर्ट बनता है, आइसक्रीम बनती है, जेली बनती है, दैट्स व्हाट. सीरियल यू नो व्हाट्स बीइंग यूज्ड, पल्सेस यू नो दैट, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. परफ्यूम, आप मार के घर से बाहर निकलते हो, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई हैव शोन इन दिस वीडियो. जो चीजें, जो प्रोडक्ट दिखाए उसी में वीडियो दिखाया गया आपको. ब्रॉडली यूटिलाइजेशन पे आइए. प्लेज मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एग्जाम्पल, अमेजॉन फॉरेस्ट प्रोडक्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन राइट इन द अर्थ एटमोस्फियर. अमेजॉन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद कितना लॉस हो गया थ्रू फोटोसिंथेसिस. पॉलिनेशन ऑफ प्लांट थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स राइट, विदाउट विच दे कैन नॉट गिव अस फ्रूट एंड सीड्स. अबे देखो, बैट्स ने अपने को कोरोना भी दे दिया था. चाइना से बैट्स ही लेके कोरोना को आया था. लेकिन कोरोना कोई खास बात नहीं, हम लोग ने हाइप कर दिया. ऑस्थेटिक्स प्लेजर दैट इज दी ऑर्नामेंटल. वॉकिंग थ्रू टिक्स टिक वुड, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम, वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग इन दी मॉर्निंग एक्सेट्रा. जो कोयल की कुकू होती है, और कोई कोई बर्ड्स कितने अच्छे लगते हैं, पिकॉक कितना अच्छा डांस करता है. दैट्स ऑल एग्जैक्टली इज व्हाट ब्रॉडली यूटिलाइजेशन. एंड ह्यूमन इज द वन हु लाइक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट. यहां पे वही दिखाया है. हनी बीज की क्या जरूरत है? हनी नहीं है, बीज नहीं है तो हनी नहीं है, राइट? हनी नहीं है तो मनी नहीं है. सेम इज द वे बम्बल बीज, अगेन पॉलिनेटर. बर्ड्स, हाउ मॉर्निंग मॉर्निंग गेट अप इन द मॉर्निंग एंड सी दैट हाउ नाइस सिंग्स सॉन्ग्स आर कमिंग, सिंगिंग पर्चिंग विद द बर्ड. एंड देन बैट, देखिए ये वही बातों को आपके सामने दिखा दिया गया है. राइट, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. एथिकल रीजंस. आज जितना खत्म है उतने खत्म होगा. एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इनसाइड. इट मे नॉट बी द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू टू अस. वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग and pass on the biological legacy in the good order to future generation. क्या होता है, कभी कभी साइंस में स्टडीज की जाती है and certain biological organisms are being destroyed, destructed many times because साइंस में कोई रिजल्ट फास्ट नहीं मिलता. तो
So you have to keep on trying. You can think that how many more organisms are being killed. Ethically, that's wrong. So biological legacy has to be maintained for ethical reasoning. ये कंजर्वेशन का इन सीटू है, एक्स सीटू है, दो बातें हैं. ये इन सीटू इन द सेम एरिया यू प्रोवाइड सच वे द एक्सटिंक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स शुड बी गिवन ऑल द काइंड ऑफ हैबिटेट दे लाइक. एक्स सीटू मीन्स यू क्रिएट आउटसाइड. दैट्स व्हाट वी मेंशन हियर. इन सीटू में क्या है, sacred groves and lakes should be maintained, biosphere reserve should be done, national parks, wildlife sanctuary has to be created. A bio mein kya hai, terrestrial or marine dono karna padega. Executive mein sacred plant home garden, seed bank, gene bank and cryo preservation known to you, botanical garden, zoological garden, aquaria, these are has to be maintained. तो ये मैंने शॉर्ट में फ्लो चार्ट दे दिया सो दैट यू रिमेंबर इट करेक्टली. इन सीटू कंजर्वेशन में आइए. राइट तो ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बिकॉज कुछ न कुछ हो जाता है. दैट्स टेक्नोलॉजी. यहां पे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में देखिए, फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशन फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व all their biological wealth. वो बोलते हैं कि realistic है ही नहीं है, जरूरत है ही नहीं है, why to conserve. The conservation have identified for maximum protection certain regions called biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots with high level of species richness and high degree of endemism. That species confined to that region and not found anywhere else. That's बोलते हैं ना, endemic हो गई है बीमारी, है ना? तो वही same thing are being specified. तो यहां पर जो थोड़ी सी बातें mention की गई in situ में, आप उन पर थोड़ा सा ध्यान बरकरार रखिएगा. अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या दिया है, 34 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड. 3 आर इन इंडिया, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स 1, श्रीलंका, इंडो वर्मा बर्मा एंड हिमालय. यहां पे वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो वर्मा मेंशन किया है. Biodiversity hotspots cover less than 2% of the Earth's land area. They harbor extremely high number of species and strict protection of 3 hotspots could reduce the what? Ongoing mass extinction of almost 30%. These hotspots, what they can do, hotspots can reduce up to 30% mass extinction. वो जो लिख दे रहा हूं उस पर आप जरा ध्यान दे दीजिएगा, इतना हमारा अनुरोध आपके साथ है. That's what exactly, एक बात को ध्यान दीजिए और let's move to the next. The India ecologically unique and unique or biodiversity rich regions are legally protected as
बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रुप्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एंड ट्राई टू सम अप इट आउट. बायोस्फीयर रिजर्व्स, दीज आर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड विद मल्टीपल प्रिजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स ऑफ द ट्राइबल्स एंड वेरिड प्लांट्स एंड एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस. इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. ध्यान दीजिए, फ्यू ऑफ देम आर शोन टू यू डाउन, यू कैन लुक इन टू. These are the reserves which are being created that you got to understand for the different organisms. पहले में elephants दिखाया गया है, दूसरे में देखिए how the tribal natures are being shown, और तीसरे में fishes को दिखाया है. That's what exactly is being shown. Wildlife sanctuaries में देखो, not taken much in detail, without lake where animals are protected from all types of exploitations and habitat disturbances. At present India has 448 wildlife sanctuaries. यहां पे दिखाया गया है, आप देख लिए, बर्ड सेंचुरीज भी है, एनिमल भी है, और दी कहीं कहीं पे ओनली वन एनिमल इज बीइंग केप्ट like elephant or etc. Sacred groups में आ जाइए. Tracts of the forest set aside where the trees and wildlife within are venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Khasi and Jhansi Hill in Meghalaya, Aravalli Hills, Rajasthan, Western Ghat region, Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar area of Madhya Pradesh. ये अपनी बुक में ही है सारा कुछ दिया हुआ, उसी के हिसाब से ये एरियाज को ध्यान में रखिएगा. दे कैन बी पुटिंग द क्वेश्चन टू यू वेयर एंड व्हाट बीइंग फाउंड. मेघालय, द सैक्रेड ग्रुव्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स. सैक्रेड ग्रुव में क्या होता है वो जरा ध्यान में रखिएगा, राइट? ये सैक्रेड ग्रुप दिखाया है, जैनशिया दिखाई है, अरावली हिल दिखा दिया है, सारगुजा दिखा दिया, खासी हिल दिखा दिया. तो जिसे आप दिमाग में रख सको, पहचान सको क्या चीजें कहां पे होती हैं. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली बीइंग शोन टू यू. बाकी कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो बुक में दिया है उसको चित्रित कर दिया है, राइट? सो दैट यू रिमेंबर द थिंग्स when question fired in front of you. Yahan bhi dekh lijiye kaise artificially also things are being created. Isme wahi cheezon ko aapke samne rakha hai. एक्सीटू कंजर्वेशन में आ जाइए. थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. अ डिफरेंट एरिया कैन बी चेंज्ड. बोटेनिकल गार्डन्स आर द वन, जूलॉजिकल पार्क्स आर द वन, वाइल्ड लाइफ सफारी इज देयर, पार्क्स आर देयर सर्विंग दिस पर्पस. The gametes of threatened species are preserved in viable and fertile condition using
cryopreservation technique. Commercially important plants can kept for long period using tissue culture method or seed banks. ये दूसरी बात है जो आपको थोड़ा सेम चीजों को हमने यहां पे दिखाया है. ये बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहां पे डिफरेंट प्लांट को प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, उनको उनके हिसाब से हैबिटेट देके. राइट, ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं. हाउ दे आर बीइंग क्रिएटेड एंड बीइंग डन. सफारीज हैं. आजकल तो जिराफ दिखता नहीं, मैं तो रानी बाग में देखा था 60s में. आप लोग देखे हो ओरिजिनल वन? इट्स डिफिकल्ट बट देन आई हैड सीन इन 60s. रानी बाग किधर है? मुंबई में. वही सारी बातों को यहां पे दिखा दिया है. एक्सीटू कंजर्वेशन में थोड़े सारे डिस्क्रिप्शंस. सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल सीड्स, लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी, सीड डिस्ट्रक्शन बाय पेस्ट, पुअर जर्मिनेशन रेट, ओनली यूजफुल फॉर सीड प्रोपागेटिंग प्लांट्स. इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. ये इतनी सारी है डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सीट्यू. गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है. इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. पहला द अर्थ समिट वॉज, इट वॉज द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जिनेरियो जिनेरो इन 1992. It called upon the nations to the take appropriate measures for conservation of biodiversity, sustainable utilization of the benefits of the biodiversity. Kabhi kya tha? Rio de Janeiro 1992 mein important hai. Dono baat ko dimag mein rakhiyega. Place as well as the year. The World Summit. It was held again 2002 in Johannesburg, South Africa. 190 countries pledged their commitments to achieve significant reduction in the current rate of biodiversity loss at a global, regional, and local levels by 2010. Ye 20 ho gaya, lekin kuch aisa bahut jyada इफेक्ट हुआ नहीं है. थैंक यू सो मच. दिस वॉट एग्जैक्टली नाउ फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड आई विश दैट आई कुड रीच टू योर एक्सपेक्टेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. सी यू.